राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। आप सभी भक्तों का इस नए वीडियो में स्वागत है। देवी सूक्त वाक सूत्र सरल हिंदी में। देवी सूक्त का पाठ रोज करने से होती है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। आइए सुनते हैं देवी सूक्त। परा अम्बा आदि शक्ति माँ भगवती की पूजा अर्चना के साथ साथ देवी सूक्त का पाठ करने का विशेष महत्व है। ऋग्वेद के दसम मंडल का 125वें सूक्त को वाक सूत्र कहा गया है। इस सूक्त को आत्म सूक्त भी कहते हैं। इसमें अमर ऋषि की पुत्री वाक ने पर ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कर अपनी सर्वात्म दृष्टि के अनुभव को अभिव्यक्त कर रही है। ब्रह्मविद की वाणी ब्रह्म से तदात्म्यपन होकर अपने आप को ही सर्वात्मा के रूप में वर्णन कर रही है। ये ब्रह्म स्वरूपा वाक देवी ब्रह्म अनुभवी जीवन मुक्त महापुरुष की ब्रह्ममयी प्रज्ञा है। श्री देवी सूक्त का पाठ कैसे करें? देवी सूक्त का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। देवी सूक्त का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए, जिससे देवी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और पूजा करने वाले को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। परम ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखने वालों को देवी सूक्त का पाठ प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म कर लेने के पश्चात स्नान आदि करके साफ कपड़े पहन लें। अब जहां आप पूजा करना चाहते हैं वह स्थान साफ कर लें और वहां लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर लें। देवी को लाल और सफ़ेद फूल और अन्य सामग्री जैसे रोली, चावल, चंदन, हल्दी, केसर आदि चढ़ाएं और लाल और सफ़ेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माता को लाल मिठाई अति प्रिय है। इसके बाद देवी सूक्त का पाठ करें और देवी की आरती उतारें। अगर संस्कृत में देवी सूत का पाठ न कर पाएं तो हिंदी में देवी सूत का पाठ करें, साथ ही साथ देवी का ध्यान करें। देवी सूक्त अर्थ सहित के लाभ। देवी सूक्त का पाठ करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है। देवी सूक्त का नित्य पाठ साधक की सोच और निर्णय लेने की क्षमता का अद्भुत विकास होता है, जिससे वह अपने बुरे समय में भी सही निर्णय लेता है। देवी सूक्त का नित्य नियमित रूप से पाठ करने वाला व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह इस मायावी संसार को छोड़कर अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। देवी सूक्त सरल हिंदी में। ब्रह्म स्वरूपा मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देवता के रूप में विचरण करती हूँ, अर्थात मैं ही उन रूपों में भास रही हूँ। मैं ही ब्रह्म रूप से मित्र और वरुण दोनों को धारण करती हूँ। मैं ही इंद्र और अग्नि का आधार हूँ। मैं ही दोनों अश्विनी कुमारों को भी धारण पोषण करती हूँ। मैं ही शत्रुनाशक, कामति दोष निवर्तक, पर महादायी यज्ञदत्त, सोम, चंद्रमा, मन अथवा शिव का भरण पोषण करती हूँ। मैं ही त्वष्टा, पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो यजमान यज्ञ में सोमा अभिशप के द्वारा देवता को तृप्त करने के लिए हाथ में अवश्य लेकर हवन करता है, उसे लोक परलोक में सुखकारी फल देने वाली भी मैं ही हूँ। मैं ही राष्ट्रीय अर्थात संपूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ। मैं उपासकों को उनका अविष्ट वसुधन प्राप्त कराने वाली हूँ। जिज्ञासाओं के साक्षात कर्तव्य परम ब्रह्म को अपनी आत्मा के रूप में मैंने अनुभव कर लिया है। जिनके लिए यज्ञ किए जाते हैं उनमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। संपूर्ण प्रपंच के रूप में मैं ही अनेकसी होकर विराजमान हूँ। संपूर्ण प्राणियों के शरीर में जीव रूप में मैं अपने आप को ही प्रविष्ट कर रही हूँ। भिन्न भिन्न देश, काल, वस्तु और व्यक्तियों में जो कुछ हो रहा है, किया जा रहा है, वह सब मुझ में मेरे लिए ही किया जा रहा है। संपूर्ण विश्व के रूप में अवस्थित होने के कारण जो कुछ भी करता है वह सब मैं ही हूँ। जो कोई भोग भोगता है वह मुझ भोक्तृ की शक्ति से ही भोगता है। जो देखता है, जो श्वासोश्वास रूप व्यापार करता है और जो कही हुई बात सुनता है वह भी मुझसे ही।
जो इस प्रकार अंतर्यामी रूप से स्थित मुझे नहीं जानते, वे अज्ञानी, दीन, हीन, क्षीण हो जाते हैं। मेरे प्यारे सखा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए उस ब्रह्मात्मक वस्तु का उपदेश करती हूँ जो श्रद्धा साधन से उपलब्ध होती है। मैं स्वयं ही इस ब्रह्मात्मक वस्तु का उपदेश करती हूँ। देवताओं और मनुष्य ने भी इसी का सेवन किया है। मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ। मैं जिसकी रक्षा करना चाहती हूँ उसे सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। मैं चाहूँ तो उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना दूँ, अतीन्द्रियार्थ ऋषि बना दूँ और उसे बृहस्पति के समान सुमेधा बना दूँ। मैं स्वयं अपने स्वरूप ब्रह्माभिन्न आत्मा का गान कर रही हूँ। मैं ही ब्रह्म ज्ञानियों की द्वेषी, हिंसारत, त्रिपुरवासी, त्रिगुण अभिमानी, अहंकार, असुर का वध करने के लिए संहारकारी रुद्र के धनुष पर पतंचा चढ़ाती हूँ। मैं ही अपने जिज्ञासु स्तोताओं के विरोधी शत्रुओं के साथ संग्राम करके उन्हें पराजित करती हूँ। मैं ही धूलोक और पृथ्वी में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हूँ। इस विश्व के शिरोभाग पर विराजमान झूलोक तत् अथवा आदित्य रूप पिता का प्रसव में ही करती हूँ। उस कारण मैं ही तंतुओं में पट के समान आकाश आदि संपूर्ण कार्य दिख रहा है। दिव्य कारण बड़ी रूप समुद्र जिसमें संपूर्ण प्राणियों एवं पदार्थों का उदय विलय होता रहता है, वह ब्रह्म चैतन्य ही मेरा निवास स्थान है। यही कारण है कि मैं संपूर्ण भूतों में अनुप्रविष्ट होकर रहती हूँ और अपने कारण भूत मायात्मक शरीर से संपूर्ण दृश्य कार्य का स्पर्श करती हूँ। जैसे वायु किसी दूसरे से प्रेरित न होने पर भी स्वयं प्रभावित होता है, उसी प्रकार मैं किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित और अधिष्ठित न होने पर भी स्वयं ही कारण रूप से संपूर्ण भूत रूप कार्यों का आरंभ करती हूँ। मैं आकाश से भी परे हूँ और इस पृथ्वी से भी। अभिप्राय यह है कि मैं संपूर्ण विकारों से परे असंग, उदासीन, कूटस्थ, ब्रह्म चैतन्य हूँ। अपनी महिमा से संपूर्ण जगत के रूप में मैं ही बरत रही हूँ, रह रही हूँ। इति देवी सूक्तम संपूर्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी।